मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? माना कि इस कैंसर से मैं हार गई, पर सिचुएशन से नहीं हार सकती। तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। तुम बस मुझसे एक वादा करो। मैम पेमेंट कैश या कार्ड? हेलो मैम पेमेंट कैश या कार्ड? कार्ड। अर्थू के फोन में लाग रहा है, क्या गेस मिसा? कुछ नहीं भैया, गेम खेल के पैसे कमा रहा हूँ। गेम खेल के पैसे? ऐसे कैसे? ये देखो, ये है पेटीएम फर्स्ट गेम की प्रो ऐप। अगर इसे आप डाउनलोड करते हो तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, और आप गेम खेल खेल के 100 रुपये तो कमाई लोगे। और आपको और पैसा कमाना है तो अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो। अगर आप यूट्यूब यूज करते हो तो वहाँ वीडियोस बना के डालो। अगर उस लिंक से कोई डाउनलोड करता है तो आपको 5 रुपये मिलेंगे, अगर वो गेम खेलता है तो 5 रुपये और मिलेंगे। ऐसे आप खूब सारे पैसे कमा सकते हो। वाह यार, ये तो बहुत बड़ी ऐप है, ये डाउनलोड करी। और गेम खेलना मत भूलना। चल मैं निकलता हूँ, ध्यान रखिए घर का। ठीक है भैया। हेलो। हाँ शिवानी बोल। यार तुझे पता तो है कि मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मैं इतने बड़े घर का करूँगी क्या, और वैसे भी अब मैं वो घर अफोर्ड नहीं कर सकती। तू बस एक काम कर दे यार मेरा, अगर कोई रूम रेंट पे मिले ना, वो भी बजट में, तो प्लीज़ मुझे बता दियो। वैसे मैंने आकाश को बोल दिया है, पर फिर भी तू भी देखियो यार। चल ठीक है, बाय। बजट में ही एक काम करती हूँ, जाके देख के आती हूँ। तुम वही हो ना जो मेरा पीछा करते रहते हो? मैंने तुम्हें बहुत बार नोटिस किया है। अब समझी, ये पैम्पलेट भी तुम ही ने रखा है ना? देखो तुम गलत समझ रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो। नहीं आना, अभी तुझे जरूरत है इस रूम की, और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर।
देखो मुझे नहीं पता तुम मेरा पीछा क्यों करते हो और ना मैं जानना चाहती हूँ। मुझे बस कुछ टाइम के लिए तुम्हारा रूम रेंट पे चाहिए। मेरा जैसे ही दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तो फिर मैं कब तक शिफ्ट हो सकती हूँ? जब आपका मन हो। ठीक है, फिर मैं शाम को आती हूँ सामान लेके। थैंक्स। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। बस ऐसे ही। खैर छोड़ो, मेरा रूम कहाँ है? आपका रूम ऊपर से लेफ्ट। ओके। सुनो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर आपको यहीं मिलेगा, तो नीचे आके टाइम से कर लेना। सीरियसली यार, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम्हें पता है मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और मुझे रोज बाहर जाके खाना पड़ता, सो थैंक यू सो मच। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, वो मेरा मन नहीं है। मूड चाहे जैसा भी हो लेकिन खाना खाने से मना नहीं करना चाहिए। देखो, मेडिसिन टाइम से लेते रहना और नेक्स्ट चेकअप के लिए जब भी हॉस्पिटल जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, बाय। बाय। होल्ड करना एक मिनट। आना? हाँ? ये कौन था? ये मेरे बचपन का दोस्त आकाश। हाँ हाँ ठीक है। आना, क्या हुआ? छिपकली गई। छिपकली? अच्छा सुनो, वो गैस खत्म हो गई है यार, आज खाना नहीं बन पाएगा, तो तुम बताओ क्या करें? कहीं बाहर चले। ठीक है, फिर शाम को रेडी रहना। ए खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं, क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं, यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। धीरज। हाँ? कहाँ हो? मैं
मैं बाथरूम में हूँ, नहा रहा हूँ। यार मेरे फोन से ना फोन नहीं लग रहा, तुम्हारे फोन से फोन कर लूँ? हाँ कर लो। ठीक है। फोन भी नहीं लग रहा। धीरज कितना टाइम लगाओगे? बस 5 मिनट। जल्दी आओ। बेबी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खा रहा हूँ। आई लव यू। हेलो आना, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम लोटस रेस्टोरेंट आ सकती हो? अभी? हाँ अभी। ठीक है। मुझे बताता हूँ, बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूँ, हमेशा से इन आँखों ने सिर्फ तुम्हें देखा है, इसलिए शायद ये आँखें किसी और को देखना पसंद ही नहीं करती। और आज डैड ने बोला कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, फिर मैंने सोचा हाँ कर तो लेनी चाहिए, पर मुझसे शादी करेगी कौन? तो इन आँखों ने मेरे लाइफ पार्टनर की जगह भी तुम्हें ही देखा, तो इसलिए आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती हूँ। ये तो और अच्छी बात है, तुम कहो तो कल ही कर ले। ठीक है। सीरियसली? आना कहाँ जा रही हो? आकाश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो मैंने उसे हाँ कह दिया। हाँ कह दिया? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। जरूरी तो तुमने नहीं समझा मुझे बताना। क्या मतलब? वो तुम अपने फोन में देख लेना, सारे जवाब मिल जाएंगे। आना मेरी बात तो सुनो। आना, आना मेरी बात तो सुनो। आना, एक बार मेरे से पूछ तो लेती ये है कौन। अपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद चुपर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देखना।
हरि ही ओ माँ पवित्र पवित्र वा सर्वस्ताम गति स्मृत पुंडे काक्षम सावाई ध्यान द्वारा हस्तुस्ति हस्तो प्रक्षाल ऋषि के सुनो ये लेटर उन्होंने दिया है। उसका नाम तारा था। मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? माना कि इस कैंसर से मैं हार गई, पर सिचुएशन से नहीं हार सकती। और हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, तो आज जाने का वक्त मेरा है। और देखो ना, मैं कितनी लकी हूँ। इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। फिर चाहे वो किसी और के सीने में, तो क्या हुआ? तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। और तुम्हें पता है, कल ही डॉक्टर बात कर रहे थे कि एक केस आया है जिसमें एक लड़की को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और मुझे उसकी। और फिर जिस तरह मेरा दिल मुझ में तुम्हारे लिए धड़क रहा है, मेरे बाद उसमें तुम्हारे लिए धड़केगा। तुम बस मुझसे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद तो हमेशा उसके साथ रहोगे। मैंने देखा तुम्हारा दोस्त रजिस्टर में तुम्हारी डिटेल्स लिख रहा है, तो मैंने चुपके से जाके वो डिटेल्स ले ली ताकि मैं तारा को दिया हुआ वादा पूरा कर सकूं, क्योंकि अब उसका दिल तुम में धड़क रहा था। और उसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बड़ा है। अब जाने हम क्या हुआ? मेरे बारे में सोच रही हो? मत सोचो। माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम्हारा दिल तो उससे प्यार करता है ना। और वैसे भी किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है, बीच में आने वाला मैं कौन होता हूँ? अब जाओ वरना मेरा इरादा बदल जाएगा।
से दूर। क्यों? तुमने तो तारा से वादा किया था ना कि मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगी, अब क्या हुआ, तोड़ दोगे तारा का दिल? सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी। हेलो गाइस, तो वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और हाँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना लाल बटन दबा के, और घंटा भी दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो, और पेटीएम फर्स्ट गेम की प्रो ऐप को डाउनलोड करो, और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और उस पर गेम खेलो और खूब सारे पैसे कमाओ और धुम्मा उठा दो। बाय।